कि इंडिया में जैसे आपको मैंने अभी बताया 1 करोड़ के आसपास है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आपका पैकेज मिनिमम से मिनिमम 20 लाख से, मतलब विद एकोमोडेशन मैं बताना चाह रही हूँ आपको, किसी कॉलेज की फीस 1.5-2 लाख है, किसी का रहने का खर्चा साल का 25 से 30 हज़ार है हॉस्टल का, जी तो ऐसे में 18 से 20 लाख, यानी कि 6 साल का कोर्स होता है फॉरेन में, इंडिया में होता है 4.5 साल का इंक्लूड, और इंटर्नशिप 5.5 साल, इसी तरह से वहाँ पर 6 साल का होता है, 5 + 1 जी 6 साल का। तो उनका क्या है कि वहाँ पर ये मान के चले आप 20 लाख, 19 से 20 लाख से लेकर आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ले लीजिए गवर्नमेंट जी अन्य देशों में, जो हमारे नज़दीकी देश हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, किर्गिस्तान, एशियन कंट्री ले लीजिए, मिडल एशियन कंट्री ले लीजिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। जो बच्चे अब मान लिया रसिया में है, यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ MBBS करना चाहें, तो क्या उनको यहाँ इंडिया में नीट का एग्जाम देना पड़ेगा? MBBS करनी है उनको, नीट का एग्जाम देना है, बड़े टफ कंपटीशन से उनको गुजरना पड़ता है। तो जैसे बच्चे ने यहाँ नीट का एग्जाम दे दिया, फिर वो विदेश जा रहा है, तो वहाँ भी उसको इस तरह कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम देना है, या सिर्फ यहाँ से एग्जाम देगी वो ऑटोमेटिक उसका एडमिशन हो नो जाएगा नो नो, अप्लाई देखो करने मैं पर? आपको बताई, ये कुछ 17-18 देश हैं जहाँ आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, ठीक है? और जो बात आप कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जी ये लोग 10+2 के क्राइटेरिया को नहीं मानते। ये जिन कंट्रियों की मैं आपको बता रही थी, मिडल ईस्ट कंट्रियाँ हैं एक या बार दोबारा एशियन, नाम बताना सबके। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, बेलारूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ताजिकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशियस, इन जी कंट्रियों के लिए आपको मतलब वो नो एंट्रेंस डाउट। एग्जाम देना। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में एक रिसर्च होती रहती है, जी खासकर यूरोप एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है सर, खासकर मेडिसिन फार्माकोलॉजी के लिए। नो डाउट उधर की जो मेडिकल इक्विपमेंट है हमारे से थोड़े से एडवांस हैं, जी ठीक है? दूसरा, उनको आसानी से मिल रहे हैं बिकॉज वहाँ पर ये लगा लो कि सस्ती है शिक्षा, यहाँ वो चीज़ें बजट मुश्किल के से मिले। अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन की गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस जी और उनको वहाँ तक भेजने की जिम्मेवारी, साथ ही साथ उनके वहाँ रहने खाने पीने की हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई मैडम से जाती है। संपर्क करने के लिए आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे पट्टी में मैडम का सब एड्रेस, फ़ोन नंबर और मैडम की मेल, वो सब आपको मिल जाएगी, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। MBBS ही इसकी सही है। पढ़ाई करना हमारे देश में बहुत महंगा हो गया है, सरकारी कॉलेजों की फीस हर साल बढ़ रही है, प्राइवेट जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी अब MBBS की पढ़ाई 1 करोड़ रुपए में कम से कम हो गई है। तो ऐसे में बच्चों का रुझान विदेश की तरफ है, बच्चे जो होनहार बच्चे जो कि अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं उसके बावजूद भी उनको मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाते, तो बहुत कम फीस में फिर वो विदेश में जाकर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और अपना अच्छा करियर बना रहे हैं। मेरे साथ हैं मैडम डॉक्टर कामिनी आसरी, तो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टेंसी का काम करती हैं जो बच्चे विदेश से MBBS करना चाहते हैं। तो मैडम से विस्तार से बात करेंगे किन किन देशों में भारत के मुकाबले MBBS की पढ़ाई सस्ती है, अच्छी गुणवत्ता वाली भी है, और कितनी फीस में बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, वापस आने के बाद क्या वो यहाँ पर सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं या दूसरे देशों में, विश्व के किसी भी देश में जाकर वो मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैडम से बात करते हैं। मैडम नमस्कार जी, नमस्कार जी। थोड़ा हाँ पहले अपने बारे में परिचय दे दीजिए, आप किस तरह की मेडिकल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी। मैं डॉक्टर कामिनी आश्री, एजुकेशनल कंसल्टेंट, और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सेवाएं दे रही हूँ, काउंसलिंग की सर्विसेज, जो बच्चे मेडिकल लाइन से हैं खासकर उन बच्चों को मैं करियर गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ, और पूरे भारत के, मतलब करीबन हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत से बच्चा मेरे पास काउंसलिंग सर्विसेज लेता है, चाहे आपका महाराष्ट्र का हो, गोवा का हो, रांची का हो, जी उत्तराखंड का हो, तमिलनाडु का, कहीं का भी हो बच्चा, तो हमारी सर्विसेज पिछले 5 साल से लगातार बच्चों को जी करियर की गाइडलाइन मुहैया करा रही है, न केवल साथ साथ उनको सही मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, बजट के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन की गाइडलाइन,
यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस और उनको वहाँ तक भेजने की जिम्मेवारी, साथ ही साथ उनके वहाँ रहने खाने पीने की हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जी, किन किन देशों में आप ये सर्विस प्रोवाइड करें उस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का रुझान हर साल क्यों बढ़ रहा है, विदेश की तरफ जा रहे हैं। हर साल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं यूक्रेन के हालात देखे थे, वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे जो फंसे थे वो MBBS कर रहे थे वहाँ पर। तो किन किन देशों में है और क्यों रुझान बढ़ रहा है ये? देखिए, बेसिकली क्या है कि आप भी जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ, और MBBS की पढ़ाई का खर्च भी उतना ही है, ठीक है। लगभग आप मान के चलें 1 करोड़ तो नॉर्मल सी बात है MBBS की फीस की इंडिया में, और लिमिटेड कॉलेज हैं, करीबन मान के चलें 97,000 सीट्स हैं स्टूडेंट्स की, और बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो करीबन 20 लाख के करीब हैं, और उसमें से अगर हम मान के चलें 50%, मोटा से मोटा 50% में अगर हम मान के चलें बच्चा क्वालिफाई करता है, अपीयर करता है एग्ज़ाम, तो ऐसे में आप मान के चलो कि 50% यानी कि 10 लाख के करीब बच्चा, सीट आपकी लगभग 1 लाख के करीब है इंडिया में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की मिला के, बाकी का बच्चा किधर जाएगा? या तो वो ड्रॉप करेगा या वो अदर कोर्स में जाएगा, MBBS का सपना ही छोड़ देगा, ठीक है, या वो फॉरेन कंट्री चूज करेगा जी। यही तीन उनके किन किन फॉरेन कंट्रीज में आप मतलब सेवाएं दे रही हैं, किन किन देशों में आप बच्चों को मेडिकल या MBBS के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में, जैसे आपको मैंने अभी बताया, 1 करोड़ के आसपास है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आपका पैकेज मिनिमम से मिनिमम 20 लाख से, मतलब विद एकोमोडेशन मैं बताना चाह रही हूँ आपको, किसी कॉलेज की फ़ीस 1.5-2 लाख है, किसी का रहने का खर्चा साल का 25,000 से 30,000 है हॉस्टल का, तो ऐसे में 18 से 20 लाख यानी कि 6 साल का कोर्स होता है फॉरन में, इंडिया में होता है 4.5 साल का, इंक्लूडिंग और इंटर्नशिप 5.5 साल, इसी तरह से वहाँ पर 6 साल का होता है, 5+1 6 साल का। तो उनका क्या है कि वहाँ पर ये मान के चले आप 20 लाख, 19 से 20 लाख से लेकर आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ले लीजिए गवर्नमेंट अन्य देशों में, जो हमारे नज़दीकी देश हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, किर्गिस्तान, एशियन कंट्री ले लीजिए, मिडल एशियन कंट्री ले लीजिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, बेलारूस और रशिया, ठीक है, इन जॉर्जिया, इन देशों में हमारे से सस्ती पड़ती है पढ़ाई मेडिकल की। वो इसलिए, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर आपको फैसिलिटी इतनी सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि वहाँ पर लोग कम बीमार होते हैं जी। वहाँ कम लोग बीमार होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटलों में भी फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो मरीज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ के लोग हेल्दी हैं, इसीलिए वहाँ की ये जो मेडिकल स्टडी है ये एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं तो लोग, इन जो देशों के नाम आपने लिए हैं ये 18 से 20 लाख में इन सभी देशों में हो जाती है। देखिए, स्टार्टिंग पैकेज है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आप लेंगे 25 से 30 लाख का भी मिल जाएगा आपको, नॉर्मल रेंज मैक्सिमम है ये। हाँ, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जो हमारे बगल के देश हैं, तो यहाँ पर जो आपकी स्टडी है वो 40-45 तक जाती है आपकी मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम 60 तक भी क्रॉस कर सकती है। बीपी कोयराला जैसा कॉलेज है, इनमें स्कॉलरशिप पे मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो 60-65 तक भी चला जाता है। तो जैसे ये यूक्रेन है, रशिया है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, यहाँ इन देशों में, यूरोपियन की, ईस्ट यूरोप का जो पार्ट है वहाँ आपकी 30 से 35 लाख पड़ता है। और अगर आप मिडल एशिया कंट्री में लेकर आते हैं तो मिडल एशियन कंट्री जैसे आपकी किर्गिस्तान हो गई, कजाकिस्तान हो गई, उज़्बेकिस्तान हो गया, यहाँ आपका पड़ेगा 20-22 लाख का खर्चा सारा ही, पूरा मतलब कंप्लीट कोर्स लाइक जी। अच्छा, क्या कारण है हमारे यहाँ इतनी महंगी है MBBS, वहाँ इतनी सस्ती है? यही बात मैंने आपको क्लियर की थी कि हमारे यहाँ महंगे इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट विल मतलब रश है हर जगह, ठीक है, हर चीज, और उधर क्या है कि वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होता, वहाँ सब लोग फिट रहते हैं, तो वहाँ इतने उनको एक्सपेंसिव एजुकेशन है ही नहीं मेडिकल की, तो इसीलिए वहाँ पर सस्ती एजुकेशन है और वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है इतना, ठीक है। यहाँ पर इतना है कि मतलब इतने ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट की हमें बहुत ज़्यादा भारी तादाद में ज़रूरत पड़ती है, और मान लीजिए जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टर भी आकर प्राइवेट हॉस्पिटल बनाता है या कॉलेज खोलता है तो भी हमें बल्क में पैसा चाहिए, गवर्नमेंट भी कितना फंड करे, 400 से 500 करोड़ का बजट चाहिए होता है। खुल भी रहे हैं नए कॉलेज, मैं ये नहीं कहूंगी, कई 5-7 कॉलेज जो बच्चे विदेशों में MBBS कर लेते हैं उसके बाद वो भारत आकर यहाँ गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं या अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं, उनको FMG एग्जाम देना पड़ता है। FMG एग्जाम देकर वो बच्चे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम वो अगर क्वालिफाई कर लेते तो वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा कितने बच्चे इसको एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं? देखिए डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री है और डिपेंड ऑल्सो ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नॉर्मल स्टडी रहती है, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी भी तो उसी हिसाब से होता है। फॉरेन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का आप कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से हमारे यहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मतलब इतना वो नहीं मिलेगा जितना वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मिलेगा। गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट इक्विवेलेंट मान के चलिए आप। ओके जी, तो जो बच्चे मान लें ये FMG पेपर क्लियर नहीं कर पाते वो क्या करें फिर? उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना जिस कंट्री से उन्होंने पास आउट किया वहाँ का तो वो लाइसेंस लिए हुए हैं जी, ठीक है, तभी उनको वो डिग्री मिली है। उसके अलावा अगर आपने ईस्ट यूरोप से किया तो वो यूरोपियन कंट्री में ट्राई कर सकते हैं। ओवर द वर्ल्ड 186 कंट्री में वो अपना डिग्री सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट से किया है तो प्राइवेट की तो मैं भी श्योरिटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको कह सकती हूँ फॉरन की। जैसे USA जाना है तो USMLE देना पड़ेगा, कनाडा जाना है और UK जाना है तो ये सब प्लैब वगैरह एग्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया के लिए देना पड़ेगा, तो ये एग्ज़ाम उनके एंट्रेंस रहेंगे। अदरवाइज अगर आप इंडिया की तरफ आते हैं तो आपको MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको अब एग्जिट एग्ज़ाम बोल दिया गया है तो वो देना पड़ेगा। हर कंट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश कंट्री का खासकर जहाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा ठीक है ये आ गई इधर की कंट्री और अमेरिका, तो इनका अलग होता है USMLE ठीक है। हमारे इंडिया का होता है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब एग्जिट एग्जाम कॉमन एग्जाम कर दिया, बट जहाँ यूरोपियन देशों से उसने किया है वहाँ वो लाइसेंस ले सकता है, उसको कोई एग्जाम नहीं देना। आप अगर मिडल ईस्ट कंट्री से एशियन कंट्री से कर रहे हैं तो आपको ये लगा लीजिए वहाँ पर लाइसेंस मिल सकता है, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं, आसपास के देशों में काम कर सकते हैं, आपका लाइसेंस चल जाएगा, आपको कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भी आपके पास एक और ऑप्शन है इंडिया में, मैं बता दूँ आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ओके आप क्लिनिकल नहीं कर सकते लेकिन आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडिया में अंडर द डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, जो यहाँ रजिस्टर्ड है डॉक्टर उसके अंडर में आप अपना रनिंग कर सकते हैं, वो एलिजिबल है उसके लिए, वो एलिजिबल है। Okay. उसको हु विल चैलेंज यू, जब आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही काम कर रहे हैं, अंडर द डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसके अंडर में आप काम कर सकते हैं जी। अच्छा तो जैसे जो बच्चे अब मान लिया रशिया में है, यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ MBBS करना चाहें तो क्या उनको यहाँ इंडिया में नीट का एग्जाम देना पड़ेगा? येस ऑफ कोर्स, आपको अगर प्रैक्टिस करना है इंडिया में तो आपको यहाँ से क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, आप यहाँ से रजिस्टर होके जाएंगे तभी तो आप यहाँ पर आकर एग्जाम दे पाएंगे। ओके पहले यहाँ नीट का क्वालिफाई करें, लाइसेंस उसी को मिलेगा जो पहले यहाँ से क्वालिफाई करके जाएगा, इक्विवेलेंट तभी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने मेडिकल की और सीधा वहाँ जाके एडमिशन ले लिया, अगर आपको वहीं प्रैक्टिस करना है देन यू कैन गो। ओके इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी फिर तो यहाँ नीट का देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यही आना अपनी होम टाउन कंट्री में, आपको यही काम करना है, यही पर अपना सेटल डाउन होना है, देन यू हैव टू गिव नीट एग्जाम विद मतलब क्वालिफाई भी होना पड़ेगा आपको जी। और कैटेगरी के हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं, क्वालिफाई भी होना पड़ेगा और क्वालिफाई आपको एग्जाम तो देना ही, और उसके बाद आप FMG एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज यू विल नॉट एलिजिबल जी। और ये जिन देशों के आपने नाम बताए थे, जिन जिन देशों में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप बच्चे MBBS वहाँ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या रहती है, इंग्लिश में ही सारा कोर्स? इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश कॉमन है। हाँ थोड़ा सा क्लिनिकल में इशू आता है कुछ देशों में, मतलब सभी देशों में नहीं कह सकती मैं, जैसे नेपाल है हिंदी कॉमन है, हिंदी में बात होती है, और अगर बात करें बांग्लादेशी वहाँ इंग्लिश में भी बात होती है ठीक है, और कुछ कंट्री हैं जिनमें इंग्लिश में होती है, फॉर एग्जांपल रशिया है आपका जी। रशिया में क्लिनिकल में आपको रशियन सीखनी पड़े क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते जी, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको फिर रशियन में करनी पड़ेगी। ओके ये प्रॉब्लम है
लेकिन वो अपनी इंग्लिश नहीं बोलते। 6 साल बच्चा हमारे तो सीख ही जाता होगा इतनी तो। हाँ, स्टार्टिंग के 6 मंथ में उनको लैंग्वेज एग्जाम दिया जाता है, मतलब उनके कंपलसरी होता है हर ईयर में। तो वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। ये लगा लो किसी कंट्री में आप जाते हैं तो कुछ तो सीखो, वहाँ की मरीज से बात करनी हो, दवाई लिखनी हो, पता चल जाए, डेफिनेटली इतना ही है। स्टार्टिंग के 6 महीने, बाहर जाना हो, टैक्सी लेनी हो, बच्चे को सर्वाइव करना है वहाँ 6 ईयर तक, तो यू हैव टू बी लर्न, बिकॉज आप वहाँ कुछ समय के लिए नहीं जा रहे, आप एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ टाइम है आपका, जो आपको स्टडी भी करना है, सर्वाइव भी करना है, आपको वहाँ रहना भी है, कोई चीज लानी है मार्केट से, लाइक दिस होते हैं छोटे छोटे मोटे इशू लाइक डेली के, तो वो उसको अपने आप ही सोल्व करने हैं। अब बार बार तो वो किसी को ट्रांसलेटर को लेकर नहीं आएगा, राइट? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए जी। तो ये मान लिया जैसे आपने सारा बताया है, भाई बच्चा यहाँ से नीट करके जाएगा तब वहाँ होगा, वापस आने पर FMG उनको देना पड़ेगा, तब वो यहाँ पर वो कर पाएंगे। तो FMG का मान लिया बच्चा ने शुरुआती उसमें नहीं कर पाया, तो कितने दिन में एग्जाम होता रहा, कितनी बार ये बच्चा दे सकता है? देखिए, अभी तक तो जो रूल फॉलो कर रहा है 2012 से भी पहले से, मैं आपको बता दूं, अनलिमिटेड चांस है। ओके, अनलिमिटेड विद इन 6 मंथ, अनलिमिटेड चांस आपके। अच्छा, हर 6 महीने एग्जाम है जी। जी, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर फिर ये जो अभी नया रूल बना है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, अब ये NMC जब से बनी है और इन्होंने कहा है कि वन नेशन वन एग्जाम, यानी कि इंडिया वाला बच्चा भी वही एग्जाम देगा इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, प्राइवेट में पढ़ रहा हो, उसको एग्जिट एग्जाम देना है जी अपना जॉब के लिए। वैसे ही सेम एग्जाम वहाँ का बच्चा अब वो एक ही पेपर देगा FMG की जगह, वो भी एग्जिट एग्जाम देगा। अगर वो एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो प्रैक्टिस लाइसेंस ले सकता है, यहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस जी। वही सेम इंडिया वाला करेगा, ठीक है, तो वो सेम इक्विवेलेंट है सर। ओके, आपको तो काफी लंबा अनुभव हो गया है और बच्चे जो वहाँ से करके आ रहे हैं वो भी बातचीत करते होंगे, क्वालिटी क्या है वो स्टडी की, पढ़ाई की, और वहाँ पर जो जो 6 साल में जो प्रैक्टिकल उनको नॉलेज होती है उसका इंडिया से और उसकी मैचिंग, उसका लेवल क्या है? देखिए, नो डाउट मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड में एक रिसर्च होती रहती है जी। खासकर यूरोप एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है सर, खासकर मेडिसिन फार्माकोलॉजी के लिए। नो डाउट उधर की जो मेडिकल इक्विपमेंट है हमारे से थोड़े से एडवांस है जी, ठीक है। दूसरा, उनको आसानी से मिल रहे हैं बिकॉज वहाँ पर ये लगा लो कि सस्ती है शिक्षा, यहाँ वो चीज़ें मुश्किल से मिले। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ MRI मशीन कितने लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से तो जिन में है नहीं, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, क्योंकि बहुत कॉस्टली हैं, टैक्सेबल चार्जेस हैं, 1.5-2 करोड़ की आप सोच सकते हैं कि एक मशीन आती है, वो चीज़ें वहाँ इजीली उनको मिल जाती हैं, वो चीज़ें, वो इक्विपमेंट उनको प्रैक्टिस के लिए थोड़े से एडवांस और प्लस सस्ती शिक्षा मिल रही है उनको, तो ये चीज़ मायने रखती है, इसीलिए वो थोड़ा सा एडवांस स्टडी कह सकते हो, प्लस सस्ती मिल रही है, दैट्स व्हाई दे चूज। हाँ, गवर्नमेंट में अगर हम इंडिया में बात करें तो आपकी पेशेंट प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ लोग पीपल, मतलब ये लगा लो कि बीमार रहते हैं, ठीक है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा ये लगा लो कि कई ऋतुएं हमारे यहाँ पर हैं जिसमें मौसम में फेरबदल होता है, खांसी जुकाम जनरली बात है, बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ, हम तो हैबिचुअल हो चुके हैं, खैर जो थोड़ा सा भी एजुकेटेड होगा वो पर्सन बात बात पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचेगा, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं स्लम एरिया से हैं, वो डेली उनका ये है कि मतलब उनको अनहाइजीन में कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज, कुछ भी होता रहता है, मतलब ये उनका रेगुलर रहता है, तो ऐसे में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बट अगर हम बात करें फॉरेन में इसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। ओके, वहाँ लोग आप देखेंगे वहाँ के हॉस्पिटलों में पेशेंट ही नहीं मिलेंगे, पेशेंट नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे, वो हेल्थ के प्रति अवेयर है जी। एक और बताइए मैडम, जैसे अपने यहाँ जो भी जिन बच्चों को MBBS करनी है, उनको नीट का एग्जाम देना है, बड़े टफ कॉम्पिटिशन से उनको गुजरना पड़ता है, तो जैसे बच्चे ने यहाँ नीट का एग्जाम दे दिया, फिर वो विदेश जा रहा है, तो वहाँ भी उसको इस तरह कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम देना है, या सिर्फ यहाँ से एग्जाम देके वो ऑटोमेटिक उसका एडमिशन हो जाएगा अप्लाई करने पर? मैं आपको बताएं, ये कुछ 17-18 देश हैं जहाँ आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। ओके, ठीक है, और जो बात आप कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है जी। ये लोग 10+2 के क्राइटेरिया को नहीं मानते, ये जिन
कंट्रियों की मैं आपको बता रही थी, मिडल ईस्ट कंट्रियां हैं, एक बार दोबारा नाम बताना सबके, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, बेलारूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ताजिकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशियस, इन कंट्रियों के लिए आपको मतलब वो एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जाम जो उधर की कंट्री है, इंग्लिश कंट्री खासकर, वो एंट्रेंस एग्जाम देती है। और उसमें क्या है कि आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वो 10+3 ग्रेड को मानेंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, पहले उससे डिप्लोमा करना पड़ेगा, उससे पहले तो आपको उधर। अच्छा, आप इन देशों में जो आपने नाम गिनाए हैं अभी, इनमें बच्चा एमबीबीएस करना चाहे तो पूरा स्टार्टिंग प्रोसेस अप्लाई से लेकर आखिर तक वो आप करवाते हैं पूरा? जी हाँ, बिल्कुल जी। हम यूनिवर्सिटी से लेके उसको गाइडलाइन देते हैं, बजट के अकॉर्डिंग उसको हम यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसेस उसका। कितने महीने का प्रोसेस है जब बच्चा आपसे आके मिले, जो प्लस टू वाला है, नीट का एग्जाम दे दिया? टाइम टू टाइम, जैसे अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन की, वो जल्दी भर जाती हैं बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट चलती हैं, और प्राइवेट तो मार्केटिंग बेस्ड रहता है सिस्टम सारा। तो बच्चे जैसे आपके पास अप्लाई करना है, फिर बच्चा वहाँ जा रहा है और वहाँ रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो सारा मतलब 18-20 से लेकर 25-30 वो कॉलेज डिपेंड ऑन कंट्री और डिपेंड ऑन मतलब लाइक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ मान लिया 1 करोड़ में एमबीबीएस हो रही है, वहाँ मैक्सिमम 30 लाख पे हो रही है, तो बहुत मान लिया सस्ता। अच्छा ये बताओ, यहाँ सवाल ये उठता है, इन देशों में जिन देशों के आपने नाम गिनाए हैं, बच्चों की सिक्योरिटी, वहाँ का खाना पीना ये किस तरह का रहता है, सुरक्षा को? बिल्कुल सिक्योरिटी है, बिल्कुल अच्छे से उनको खाना वाना मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं, इंडियन मेस है, इंडियन उनको फूड अवेलेबल है, इंडियन एम्बेसी है भाई वहाँ पर जी, हर तरह से मतलब सपोर्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे सिक्योर है, कोई सिक्योरिटी को लेकर कोई मतलब पेरेंट्स भेजे तो चिंता होने की जरूरत नहीं है? 3 घंटे की फ्लाइट है, आओ जाओ, एक दिन में 2 बार जाओ, ओके, क्या इशू है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही। और नेपाल का तो 1 ही घंटे का फेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो और कोई जानकारी इससे रिलेटेड बच्चों को देना चाहें, क्योंकि अभी इंडिया में नीट का एग्जाम होने जा रहा है, नीट का एग्जाम होने जा रहा है, अगर आप लोग मतलब कंफर्म्ड हैं अपने एग्जाम को लेकर के, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जो एमबीबीएस एस्पिरेंट्स हैं दे कैन कॉन्टेक्ट अस, और हमारा हेड ऑफिस है जींद में, SCO 17 ब्लॉक के हुड्डा ग्राउंड नियर द दिल्ली हॉस्पिटल, और V+U के बिल्डिंग में है। आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अब्रॉड के लिए, तो हम अवेलेबल हैं, आप अभी करवा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने के कारण पूरे भारत से ही बच्चा जाता है, केवल हरियाणा का नहीं जाता, ये बात ध्यान में रखना, और बाद में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच जाती है, फिर वो ऑप्शन ही होता है, ऑप्शन नहीं होता है। मैडम से संपर्क करने के लिए आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे पट्टी में मैडम का सब एड्रेस, फ़ोन नंबर और मैडम की मेल, वो सब आपको मिल जाएगी, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक कितने बच्चों को आप बाहर से विदेश दूसरे देशों में भेज चुके हैं? देखिए हमने करीबन अभी हम ये क्या ही बताएं इस बारे में, मैंने तो इंडिया में भी बच्चों के एडमिशन करवाए हैं गाइडलाइन के थ्रू, जिन जिन बच्चों ने हमारे थ्रू काउंसलिंग ली उनके हमने इंडिया में भी एडमिशन करवाए हैं, तो सैकड़ों बच्चा हमारा जा चुका है अब्रॉड भी, और इंडिया में भी अभी हमने स्टार्टअप किया है पिछले 2 साल से, तो हमारा इंडिया में भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, जिसका बजट है, जो अफोर्ड कर सकता है 70-80 लाख का, वी कैन प्रोवाइड यू सीट इन इंडिया आल्सो, बट फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम, आपका क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, आपका नीट स्कोर अच्छा होना चाहिए। कितने तक का? देखिए लास्ट ईयर तो आपका 117 समथिंग था, फिर भी मैं आपको ये कहूँगी इस साल का जो नीट है, जो नीट का रिजल्ट होगा, आपका 127 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, आपका जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होना चाहिए, ऑल इंडिया में से सीट आपको दिलाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, ओके, लेकिन आपका बजट होना चाहिए जी, हर कॉलेज का रहता है, प्राइवेट का भी होता है, मैनेजमेंट सीट्स का भी होता है, रिजर्व भी, कहीं परसेंटेज डाउन भी आ जाती है, कहीं परसेंटेज हाई भी हो जाती है, तो वो काउंसलिंग हम आपकी डिसाइड करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा जो बजट की हमने बात की थी, शुरुआत में कितना खर्चा लग सकता है स्टार्टिंग इंडिया में या अब्रॉड में? अब्रॉड में, विदेश अब्रॉड में ये कोई 5-6 लाख रुपए मैक्सिमम, विद एयर टिकट एंड एवरीथिंग, आपका भी सब कुछ है, प्रोसेस वाला सब कुछ आ गया, हमारा तो देखो सर्विसेज चार्ज है जी, वीजा कराने का, टिकट कराने का सर्विस चार्ज रहता है बस, जी जी जी, ठीक है, तो इससे मान ली 5-6 लाख स्टार्टिंग में खर्च करके बच्चा विदेश में आराम से पहुंच जाता है, एडमिशन हो जाता है उसका जी।
चलो ये तो मैडम से बात थी सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई को लेकर। जो बच्चे विदेश में मेडिकल की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, जो बच्चे वर्क वीज़ा पर विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत सारे जो बच्चे कंप्यूटर के हैं, ड्राइविंग से लेकर ट्रक ड्राइवर है, आपका मैकेनिकल है, आपका प्लम्बर है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, इन सभी बातों को लेकर एक अलग से मैडम के साथ वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। वर्क वीज़ा को लेकर भी मैडम का कंसल्टेंट है, कई देशों में मैडम के संपर्क हैं और बहुत सारे देशों में यात्राएं कर चुकी हैं, तो वो वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।